हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदोरी जायका में। आज मैं बना रही हूँ मैंगो मावा रोल। अभी तक मैंने मैंगो की 15 रेसिपीज डाल रखी हैं। अगर आपने मेरी रेसिपीज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इन्हें देखिए और इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंगो मावा रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम मावा, 200 ग्राम आम, 2 से 3 इलायची, 300 ग्राम शक्कर और आधा चम्मच घी। गर्म पैन में मावा डाल लेते हैं, साथ ही शक्कर डालेंगे। इन्हें लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। ये मैंने घर का मावा यूज़ किया है, आप चाहें तो इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने लगभग 4 चम्मच शक्कर बचा ली है, ये हम बाद में डालेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। आम को मिक्सर में पीस लेते हैं। ये देखिए, आम को पीस लिया है, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। शक्कर अच्छे से घुल चुकी है इसमें, इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। मिठाई जमने जैसी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इलायची पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। एक पॉलीथीन पर घी लगाकर इसे फैला लेंगे। इसमें से आधी मिठाई हम पॉलीथीन पर निकाल देते हैं और बची हुई आधी मिठाई में हम मैंगो पल्प मिला लेते हैं। ये जो हमने शक्कर बचाई थी, ये भी डाल लेते हैं। मैंने इस बची हुई शक्कर को पीस लिया है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। इन सभी को हमें लो फ्लेम पर पकाना है। ये जो हमने मिठाई पॉलीथीन पर निकाली है, हम इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, अभी इसे ऐसे ही रख देते हैं। इसे हमें जमने जितना गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए, जमने इतना गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये घी लगी हुई पॉलीथीन पर हम ये आम वाला मिश्रण भी डाल लेते हैं। देखिए, इसको इस तरह से फैला लेते हैं। इसे इस तरह से रखेंगे। मैंगो वाले मिश्रण को इस तरह से ऊपर से पैक करते हुए रोल बना लेंगे। ये देखिए, अब हम रोल को कट कर लेते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।